क्या अपील किया? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है कि मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा वेब सीरीज है, तो क्या अपील किया आपको जिससे जुड़े और जो किरदार निभाए उसके अंदर बताइए। एक तो प्राइमरी रीजन ये है कि डायरेक्टर भी दोस्त है, प्राइमरी रीजन ये है कि डायरेक्टर भी दोस्त है और प्रोड्यूसर भी दोस्त है, ये प्राइमरी रीजन है। और उसके बाद सोनी पे सुहागा ये है कि जो अपना दोस्त है शादाब डायरेक्टर, वो माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर है, उसकी उसने जितनी भी फिल्में अभी तक बनाई हैं सारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सिलेक्ट हुई हैं। और मैं अगर फिल्म फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उन फिल्म फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े लेवल के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के भी होते हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काफ़ी सालों से वहाँ पे हैं। और जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी माइंड ब्लोइंग है, वो पन इंटेंडेड वेब जिसको कहते हैं, एक्चुअली वेब वेब स्क्रिप्ट है, बड़ी माइंड ब्लोइंग है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर 50 दिन का काम है पूरी शूट का, तो जिसका 50 दिन का काम है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, और जिसका एक दिन का काम है उस कैरेक्टर में भी इम्पोर्टेंस है। जो अब आप जब देखेंगे तो जो सिर्फ 5 मिनट के लिए जो स्क्रीन पे आएगा आप, वो आपके दिमाग में रह जाएगा, वो जाएगा नहीं वहाँ से, ऐसा इस तरीके से लिखी गई है सिर्फ। सर मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है स्क्रिप्ट और मेरा रोल, तो मैं ये दो चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जो टोटैलिटी में सब्जेक्ट क्या है और स्क्रिप्ट क्या है, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, डायरेक्टर अच्छा है कि वो अच्छा कर पाएगा कि नहीं, दूसरा होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि आपने चाहे फॉर एग्जांपल एक सीन लिखा हो जिसमें 50 घोड़े चाहिए और आपको प्रोड्यूसर है जिसमें घोड़े दे पाएगा 2, तो वो फिर जो आपने लिखा है वो उस पर आ नहीं पाएगा। तो ये जो 4 चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ बात रही OTT की, तो अगर आपके पास ऑलरेडी OTT है तो बढ़िया है, और अगर आपके पास OTT नहीं है तो मुझे तो वैसा सिनेरियो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, एक ही क्रिएटिव माइंड होता है, और जब तक आपका फाइनल प्रिंट आउट नहीं होता है, फाइनल कॉपी आउट नहीं होती है, वो एक ही का दिमाग चलता है शुरू से लेकर एंड तक, और मुझे लगता है कि वो बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में पहली बार आया हूँ जहाँ पे मैंने जब स्क्रिप्ट, तो मुझे पहली पता थी बड़ी माइंड ब्लोइंग है, लेकिन मुझे पता चला कि OTT नहीं है, तो मुझे कहीं ठीक लगा कि ठीक है कि जब माइंड ब्लोइंग बना लो अपने हिसाब से तो ऐसी चीज़ बनेगी तो हम श्योर कोई भी ले लेगा। मैं इसमें प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो इकबाल भाई हमारे साथ में जुड़े, इकबाल भाई को बहुत मुश्किल से हमने कन्विंस किया है कि इकबाल भाई आपको करना है, तो इकबाल भाई दोस्त हैं, भाई हैं अपने, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं बहुत हटके है, और हमारे एक पार्टनर और दोस्त और भाई बोल लें सईद भाई यहाँ पे नहीं है, कुछ मजबूरी की वजह से वो आ नहीं पाए, उनका आना बहुत ज़रूरी था लेकिन आ नहीं पाए, एनीवेज बाद में उनका कवरेज हम लोग लेंगे। सो अब बस हम लोग बिस्मिल्लाह करने वाले हैं एक तरीके से, और इंशाल्लाह ये चीज़ फ्लोर पर जाएगी, और बहुत हटके स्टोरी है और डिफरेंट है कि आप कुछ नया देखने को मिलेगा जो शादाब भाई लेके आ रहे हैं। तो देखने से ऐसा भी लग रहा है कि किसी बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट से कम नहीं, तो उसके लिए बताइए क्या कहना चाहेंगे कि लग रहा है कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट रहेगा आपका ये वेब सीरीज जो है। एग्जैक्टली, आर्टिस्ट को आप देख ही सकते हैं, सारे वेल नोन एक्टर्स हैं, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। सो जितनी हद तक हो सकता है हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो हमने सोचा है वो चीज़ हम लोग उतार के लेकर आए, बाकी इतने बड़े बड़े सारे हमारे पास कलाकार हैं। मुझे एक चीज़ वेब जो 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 वेब शोज जो होते हैं, वेब शोज के आने से एक चीज़ बड़ी माइंड ब्लोइंग हो गई है कि आपको अगर अपना काम आता है करना तो आपके लिए काम है। Exactly. चाहे आप नॉन एक्टर हो, चाहे आप नहीं हो नॉन एक्टर, चाहे आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, गंजे हो, बाल हैं, लंबे बाल, कुछ एज लॉन्ग एज आप एक्टर हो तो आपके लिए काम है। आपको एक्टिंग नहीं आती तो आपके लिए काम नहीं है, आप कहीं और जगह स्टार बन सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आप वेब पे स्टार नहीं बन सकते। तो ये एक्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ।
सर लास्टली आपसे ये सवाल है कि हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने स्टेटमेंट किया जो कि ओटीटी पे बड़ा नाम है, फिल्मों में भी बड़ा नाम है, कि ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको गर्दन झुका के देखना पड़ता है कंटेंट को, और फिल्म जो है आप थिएटर में गर्दन उठा के देखते हैं, मतलब वो अभी भी बोलते हैं कि फिल्म सी बड़ा मीडियम है, फिल्म सी अल्टीमेट एक ड्रीम होता है आर्टिस्ट का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म को अगर कंपेयर? मैं बताता हूँ आपको, मैं इस चीज के दो आंसर है, एक ये तो, एक ये कि जो सिनेमा जो है वो जो मीडियम है इन टर्म्स ऑफ विजुअली वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मजा आपको सिनेमा में चीज देख के आती है वो तो डेफिनेटली कहीं नहीं आ सकती, वो देयर इज नो बिग स्क्रीन पे जो आता है उसमें, मतलब उसमें तो कोई दो रातें हैं, दो बातें हैं। दूसरा ये हो गया कि पंकज भाई ने बोला कि अभी ही इज बीन वेरी लकी कि उनको काम वैसा मिला है, उनको आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, उनको हमेशा अच्छा काम मिला है, और अब जब वो जिस प्लेट जिस 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 ओहदे पे वो इस वक्त हैं, तो अगर वो चूज भी करेंगे तो बढ़िया ही करेंगे, तो ही इज बीन वेरी वेरी लकी दैट वे, उन्होंने अगर छोटे से छोटा काम भी किया है वो भी बढ़िया किया है, तो और उनको अगर कोई, उनको अगर कोई सोचता भी है कि उनको लिया जाए तो वैसी फिल्मों लिया जाता है जो सेंसिबल होती हैं, तो और अगर किसी सेंसिबल फिल्म में नहीं भी लेते उनको तो उनको वैसा रोल मिलता है जो सेंसिबल होता है, तो मतलब घी में हर तरफ से। सर लास्टली अगर आप कंफर्टेबल ना, इतना ज्यादा नेगेटिविटी भी हुआ शुरुआत से लेकर अभी तक ओटीटी और वेब सीरीज को लेकर, तो क्या समझते हैं आगे का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कि कंटेंट का क्वालिटी कितना इंप्रूव होने वाला है? मेरे ख्याल से वो सब खत्म हो गया अभी, वो जो वो जितना भी गाली गलोच और सेक्स जितना था वो पहले था नहीं, पहले था नहीं, इसलिए लोगों को वो देखने में शायद कुछ अजीब लगता था, इसलिए वो काफी देख लेते थे, अब लोगों को धीरे धीरे करके पता चल गया भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फैमिलीज भी ओटीटी पे आ गई हैं, तो अच्छा कंटेंट बनाना यही प्रेफरेंस है, होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि हम लोग जो बना रहे हैं इसमें बिल्कुल भी वो गंदगी नहीं है जो लेकिन मैंने मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ फैमिली ऑडियंस के लिए कोई चीज़ बनानी है, ये आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, पॉइंट मुद्दा ये है कि कंटेंट अच्छा होना, जो एक्सेसिव गाली गलोच और सेक्स पहले पहले होता था वो अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ आ गया कि वो कोई मतलब नहीं है, पहले पहले बिरयानी खा रहे थे उसमें बहुत सारी इलायची डल रही थी और स्मेल बड़ी अच्छी लग रही थी खा रहे थे लोग, अब बिरयानी अब इलायची नहीं लग रही अच्छी है, वो ना निकाल रहे बाहर, और अब बनाने वाले भी इलायची कम डाल रहे हैं। एग्जैक्टली।